नमस्कार दोस्तों, मैं उराल सर, आप लोग देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों मैं आज आप लोग के लिए मैथ की क्लास के फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। जी हां, इसमें आप लोग को 100% चांस है लड़ने का, और आप लोग इम्तिहान में जाइएगा तो बहुत ही बेहतरीन ये आने वाला है जो मैं आप लोग को आज मैं ऑल सब्जेक्ट से उठाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ साथ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों में के बीच हुई थी। फिर से एक बार और, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। जी हाँ, पहला ऑप्शन है रूस और इटली के बीच, दूसरा ऑप्शन है बी रूस और फ्रांस के बीच, ऑप्शन सी रूस और इंग्लैंड के बीच, और ऑप्शन डी रूस और जर्मनी के बीच। जी हाँ, इसका राइट आंसर सी नंबर होगा सही, रूस और इंग्लैंड के बीच लिटोवस्क की संधि की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर टू है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो ऑप्शन ए है श्रमिक वर्ग, ऑप्शन बी है मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी है कृषक वर्ग, और ऑप्शन डी है सभी वर्ग। तो इसमें से राइट आपका आंसर ए होगा, श्रमिक वर्ग जो है पूंजीपति का वर्ग है। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। पहला ऑप्शन ए है 1990 के दशक में, ऑप्शन बी है 1960 के दशक में, ऑप्शन सी है 1970 के दशक में, और ऑप्शन डी है 1980 के दशक में। जी हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर है कि मेंढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। पहला ऑप्शन ए है बेंजीन, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी एड्रीन, ऑप्शन डी फास्फोरस। इसका राइट आपका आंसर होगा ऑप्शन सी नंबर जो है एंड्रीन। एंड्रीन जो है मेंढक की प्रजनन प्रक्रिया का बाधित करने वाला रसायन है। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। जी हाँ, ऑप्शन ए है फ्लोराइड, ऑप्शन बी है क्लोराइड, ऑप्शन सी है आर्सेनिक, ऑप्शन डी है लोहा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नंबर जो है हो जाएगा, क्लोराइड जो है ना अति जल दोहन का संकेंद्रण बढ़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक खनिज, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 7। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 7 होगा। ठीक है, 7% भौगोलिक बढ़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। जी हाँ, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीज की पड़ती है क्या, ऑप्शन बी है टीन की पड़ती है, ऑप्शन सी है लोहा की पड़ती है, ऑप्शन डी बॉक्साइट की पड़ती है। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बॉक्साइट, यानी एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की जरूरत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर एट है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। ये जो दिए हुए हैं ये छोटे पैमाने का उद्योग कौन है, चीनी उद्योग ऑप्शन ए, ऑप्शन बी खिलौना उद्योग, ऑप्शन सी कागज उद्योग, और ऑप्शन डी विद्युत उपकरण उद्योग। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नंबर खिलौना उद्योग। खिलौना जो है ना छोटे पैमाने का एक उद्योग है, यह हर कोई बना सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर में नाइन आपको बताता हूँ, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। इस देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। ऑप्शन नंबर ए है 10 है, ऑप्शन बी 7 है, ऑप्शन सी 15 है, ऑप्शन डी 5 है। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 15 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। हमारी बिहार की जो सीमा है ये रेल मार्ग ये चलती है ना, ये रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, ये पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया था, इस साल भी पूछे जाएंगे। देखिएगा, तो ऑप्शन ए है 6283 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 5283 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 7283 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 8500 किलोमीटर। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नंबर जो है 6283 किलोमीटर बिहार सीमा रेल मार्ग की कुल लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 11 चलता हूँ कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति जो हुई है नेतृत्व में निम्नलिखित में किसने किया,
पहला ऑप्शन ए है मुरारजी देसाई, ऑप्शन बी है नीतीश कुमार, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, जयप्रकाश नारायण ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। पहला ऑप्शन ए सरकार को, है ना, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी संविधान को, ऑप्शन डी राजनीतिक दल को। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नंबर, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था। भाई जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1992 में हुआ था क्या, ऑप्शन बी है 1999 में हुआ था, ऑप्शन सी है 2003 में हुआ था, ऑप्शन डी है 2004 में हुआ था। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नंबर, 1999 में जनता दल पार्टी की गठन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। व्यावसायिक बैंक जो होता है ना, व्यवसाय लोग उसमें अपना मनी रखते हैं, तो उस व्यावसायिक बैंक का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। ऑप्शन ए है कि 1966 में किया गया था, ऑप्शन बी है 1980 में किया गया था, ऑप्शन सी है 1969 में किया गया था, कि ऑप्शन नंबर डी है 1975 में किया गया था। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंक का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। जी हाँ, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है कोयला है क्या, ऑप्शन बी पेट्रोलियम है क्या, ऑप्शन सी विद्युत है, ऑप्शन डी इनमें से सभी है क्या। जी हाँ, इनमें से सभी तो नहीं होगा, केवल एक ही होगा। चलिए आपका ऑप्शन नंबर ए है, कोयला जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। चलिए आप लोग, आई होप आप लोग की क्लास कैसी लगी होगी मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तथा साथ साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, और बने रहिए मेरे इसी तरह यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों को मैं फिर से नया नया वीडियो देते रहूंगा, आप तब तक के लिए नमस्कार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।